हेलो गाइस, आई एम उदेश त्यागी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ये यार बैल और गाय को इन्हें ऐसे कौन छोड़ देता है इतनी सर्दी में, क्यों छोड़ते हैं ये लोग पता नहीं। और ये देख सकते हैं कितना कोहरा है आज मौसम काफ़ी सर्दी वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुबह की राम राम, नमस्ते, सलाम वालेकुम। और आज मैं फिर से निकल पड़ा हूँ एक रास्ते पर। देखिए सुबह के बज रहे हैं अभी 9:10 और मैं जा रहा हूँ अपने खेत में या कहीं जंगल में, जो भी आप कहें। आप मौसम देख सकते हैं, एक मिनट। मैं अभी कह रहा था कि ठंड नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे आके मतलब मुझे ठंड कम लग रही है इस बार, पता नहीं क्यों। सब कहते रहते ठंड हो रही है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी लग रही है। ये मौसम देख सकते हैं आप, एक मिनट, ये देखिए, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, कोहरा इस बार तो कह सकते हैं, वैसे सर्दी तो काफी हुई है। ये शांति आपने सुनी, ये है यहाँ कितनी शांति है, मतलब ऐसा लग रहा है मीलों कोसों दूर तक कोई नहीं। और ये सरसों आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये मैंने अभी दिया जला दिया है, और ये मैंने अभी अपने देवता जी पे दिया जला दिया है। चलते हैं अभी आगे। और ये देखिए हमारे रियल हीरोज, मतलब इतनी ठंड है, इतना कोहरा है, इतना ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी हमारे मजदूर, हमारे किसान इतनी पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं अपने काम में, पूरे जोश के साथ में, पूरे खुशी के साथ में, उत्साह के साथ। ये देखिए, अभी 9:30 होने वाले हैं और आई थिंक ये कह रहे हैं कि हम 8 बजे से यहाँ हैं। इतनी ठंड में आई थिंक ये हमारे रियल हीरोज हैं, ये हम कह सकते हैं। और हमें चाहे किसान हो या मजदूर, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज अगर ये हैं तो हमें खाना मिल रहा है। और यहाँ पर आने के बाद में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल नेचुरल तरह से प्रकृति की गोद में हम आ चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन हरा हरा, ये आप देख सकते हैं। नाश्ता करते हुए तो चले नीचे, उन वाले अंकल आए हुए हैं, वो उन देख रही मम्मी है, तो वो भी देखते हैं। फ्रेंड्स, आज लता जी की, लता मंगेशकर जी की भी डेथ हुई है आज, एंड आई थिंक दैट्स वेरी शॉकिंग। वैसे तो वो काफ़ी लगभग 10-15 दिन से एडमिट थी, बट आई थिंक इंडस्ट्री के लिए वो काफ़ी लॉस की बात है, बिकॉज इतने टैलेंटेड सिंगर का जाना, ऑब्वियसली बिकॉज वो इतनी टैलेंटेड थी, उनका मतलब 6 दशक तक काम करना और इतने बेहतरीन गाने देना, लाजवाब, इतने अच्छे अच्छे गाने, मुझे तो हर गाना उनका बेहद पसंद है। वो सिंगर तो खैर लाजवाब थी, बहुत लाजवाब। वैसे तो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे एक एक्टर का, एक सिंगर का, एक यही तो अच्छी बात है कि वो कभी मरते नहीं, वो हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं और हमेशा अपने फिल्मों के थ्रू, अपने गानों के थ्रू वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते रहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद है, आई थिंक मैं मेरे लिए रिलैक्सेशन म्यूजिक का काम करता है, जो मैं रात को डेली सुन के सोता हूँ, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो। दूध ही पी रहे हैं,
और ये कैट हमने पाली ही नहीं है, बस ये ऐसे ही हमारे यहाँ आती थी, लेकिन हम मैं इसे दूध देने लगा, पहले तो काफ़ी डरती थी मुझसे, लेकिन फिर मैं इसे दूध या रोटी या बिस्किट वगैरह देने लगा, तो अभी तो बिल्कुल डरना बंद हो गया है, अभी ऐसे ही बैठी रहती है, किसी से नहीं डरती। सो लेकिन अच्छा लगने लगा है अभी इसके साथ में। सो या अगर आप लोग मुझे जानते तो आपको पता होगा कि मुझे कैट एंड डॉग मतलब कुत्ते बिल्लियाँ काफ़ी पसंद है। आई एम बेसिकली आई एम एनिमल लवर, आई एम आई से दैट। सो गाइस अभी शाम के 7 बज रहे हैं और आई डोंट थिंक अभी मैं कुछ करने वाला हूँ। सो बस अभी मैं अपनी इस वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, प्यार बांटें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों को टाइम दें, जो मर्जी वो करें, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, और किसी का दिल ना दुखाएं, और हमेशा मुस्कुराते रहें। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।